सागर जिले में बढ़ते कोविड संक्रमण के बीच डॉक्टरों की कमी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। तो सागर से खबर आपको बता रहे हैं जिसमें मरीजों का सागर जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच डॉक्टरों की कमी परेशानी बनी हुई है, जिसको देखते हुए बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज ने बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत 2016 बैच के स्टूडेंट की फाइनल ईयर की परीक्षा समाप्त होते ही उनको सीधी भर्ती प्रक्रिया का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और विधायक शैलेन्द्र जैन ने नव चिकित्सकों को आपदा की इस घड़ी में संकट मोचक बताते हुए पूरी निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वाह करने की उम्मीद जाहिर कर शुभकामनाएं दी। वहीं मंत्री गोविंद सिंह के सामने नव चिकित्सकों ने अपनी कुछ समस्याएं रखी, जिस पर मंत्री गोविंद सिंह ने जल्दी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया है। फाइनल ईयर की परीक्षा दी है जिसका रिजल्ट आना अभी बाकी है और हमारी यहाँ पे कोविड वार्ड के अंदर ड्यूटी लगाई जा रही है, जिसको करने का हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी कुछ ऐसी मांगे हैं जो हमने डीन सर के समक्ष रखी हैं। उसमें सबसे पहली मांग ऐसी है कि हमारी जो भी ड्यूटी डेज हो हमारे इंटर्नशिप के अंदर काउंट हो, दूसरा सभी छात्रों का वैक्सीनेशन पहले पूर्ण रूप से करा जाए, और तीसरा हमारे स्टाइपेंड से लेके है कि हमारा जो महीने का जो खर्चा रहता है उसको बढ़ा के कम से कम न्यूनतम 25,000 रुपये करा जाए। शुभकामनाएं काम करें और आज से इस युद्ध की लड़ाई शुरू करें।